38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক আছে। 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। मिथुन चक्रवर्ती को मानसिक दिक्कत, 38 एमएलए से संपर्क वाले दावे पर टीएमसी का पलटवार। दरअसल एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान ने बंगाल की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। इसके बाद टीएमसी ने पलटवार करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को मानसिक रूप से बीमार तक कह दिया। ये भी कहा गया कि मिथुन सपना देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आज मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था, क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं? इस समय 38 टीएमसी विधायकों के हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जिनमें से 21 सीधे हमारे संपर्क में हैं। यहाँ मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया था कि बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है और उद्धव ठाकरे की तरह ममता सरकार खतरे में आ सकती है। इस बयान को टीएमसी सांसद शांतनु ने बकवास बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सुना है कि पिछले दिनों मिथुन चक्रवर्ती हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। दिक्कत ये भी है कि उनको राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं शांतनु ने आगे कहा कि बंगाल में उनकी इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। वहीं टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि मिथुन दा अच्छे एक्टर हैं, अभिनेता और कलाकार, बहुत सपने देख सकते हैं। हम आम आदमी हैं, हमें इतने सपने नहीं आते, लेकिन अभिनेताओं को काफी आते हैं। हम मिथुन चक्रवर्ती को और उनके सपनों को शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर आईएएस रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, भागो भागो बच्चों, कोबरा आया। तो इस वक्त तेज बहादुर यादव नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, सर जी ये मिथुन दा भी चुटकुले सुनाकर मजे ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती डायलॉग देने में माहिर हैं और सियासी झूला झुलाने में दिलचस्पी रही है। वे कभी टीएमसी तो कभी बीजेपी में रहे हैं। बीजेपी विपक्ष के लोगों को डराकर लालच दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल करती है। अगर हमारे भाजपा के साथ आओगे तो गाजर मिलेगी, अगर नहीं तो ईडी मिलेगी। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।